एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम इस क्वेश्चन में हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता करनी है। हमें दे रखा है यहाँ पे एक, ये एक हमारे पास रो मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 1/3, जिसमें एक रो है 3 कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स हमें दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, और थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है हमें 3 रो 1 कॉलम। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई का रूल हमें पता ही है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास कॉलम जो है 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो जो रो है उसमें कितनी रो है 3, तो ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल है। तो अब जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये 3-3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस जब ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन किस फॉर्म में आएगी, 1/3 की फॉर्म में आएगी, जिसमें एक रो और 3 कॉलम होंगे। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 जा 1 आ गया। फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद हम फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और थर्ड मैट्रिक्स दे रखे हमें 0 2 x इक्वल टू 0। दिस इज अवर नल मैट्रिक्स, इसको हम एक नल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, 6 2 4 0 2 x, ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। अब जो ये मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई की इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम, और जो थर्ड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 1 कॉलम। अब जैसा कि हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसको जब हम सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का कॉलम जिससे मल्टीप्लाई करना उसके रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि इसके इक्वल है। इट मीन्स जब ये 3-3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, 1/1 की, मीन्स उस मैट्रिक्स में एक रो एक कॉलम होगा। तो वो इस तरह से होगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो वो भी जो मैट्रिक्स होगी वो भी 1/1 की फॉर्म में होगी, और ये मैट्रिक्स हमारी 1/1 की फॉर्म में है। दैट मीन्स 4 + 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने ये सीखा कि एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है -1, वही हमने x की वैल्यू निकाली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस माई लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।